शादी के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़का किसी और लड़की को पसंद करने लगता है और लड़की जो होती है किसी और लड़के को पसंद करने लगती है। अभी महिला थाना के पास एक ऐसा ही मैटर आया है जिसमें लड़का बोल रहा है कि मेरी बीवी का दूसरे से अफेयर है या लेकिन हमको छोड़ भी नहीं रही है और साथ रह भी नहीं रही है। दोनों में से कोई एक चीज कर दे, या तो छोड़ दे या तो साथ रहे, यही ना। क्या बोलती है आपकी बीवी? कुछ नहीं, बस बोलती है कि मैं मायके में रहूंगा, 10,000 रुपया मेरे को खर्चा महीना में चाहिए। हाँ। मैं बाहर जाता हूँ, वहाँ पर आता हूँ बाहर से घर में तो लेके आता हूँ, जैसे बाहर निकला 2-3 दिन के बाद किसी लड़का को बुलाती है, भाग जाती है। तो अपनी बीवी को साथ क्यों नहीं रखते हैं? तो बाहर में रखे, मैं बाहर में भी रखे तो बाहर में भी तो वही नाटक देखे, तो घर में छोड़ के गए, घर में भी वही नाटक। क्या नाटक करती है? वही करती है जो 12 घंटा मेरा शिफ्ट है ड्यूटी का, 12 घंटा ड्यूटी में रहते हैं, दूसरे लड़का के साथ में कभी गुदरी में घूमेगी, कभी पार्क में जाएगी, कभी कहीं जाएगी। अच्छा, मतलब बीवी का लक्षण ही यही है? यही है लक्षण, किसी और लड़के के साथ घूमना है। तो अभी वो चाहती है कि हमको पैसा देते रहो, तुमको तलाक नहीं देंगे, और तुम पैसा भेजते रहो, तलाक भी नहीं देंगे तुमको, तुम्हारे साथ रहेंगे भी नहीं। वो तो बोल रही है मैम, लेकिन उसके जरिए में पीछे में उसका माँ की हाथ है। माँ का क्या हाथ है? माँ का उसका कहने का मतलब है कि मेरा लड़की नहीं जाएगी। तो काहे नहीं जाएगी? मेरा घर में ही रहेगी, तू पैसा दो। कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं, 3 बच्चा है, प्रॉब्लम क्या है? 3 तो बच्चा है। हाँ, एक लड़का, दो लड़की। बच्चा किसके साथ रह रहा है? उसी के साथ में रह रहा है। किसके साथ? वाइफ के साथ। वाइफ के साथ बच्चा को रखना चाहते हैं? यस मैम। किस किस पे केस की है आपके घर में? मेरे पे केस किया, मेरा पापा पर नाम दिया, मेरा मम्मी का और एक मेरा बड़ी वाली बहन और भाई का भी नाम दिया। अब लेकिन आपकी बीवी बोल रही है कि आप ही का अफेयर आपकी फुफेरी साली के साथ है। नहीं, ये सब गलत सूचना है मैम, अगर गलत रहवे करते तो मैं सोशल मीडिया पर वीडियो थोड़े डालते, छिपा के भी रख सकते थे। हाँ। लेकिन क्यों डाले सोशल मीडिया पर, क्योंकि गलत नहीं है। अगर वो कभी भी मेरे को राखी बांधे, महिला थाना से क्या बोला गया? महिला थाना से यही कोर्ट के किया कि रखता नहीं है लड़का, रख नहीं रहा है हमको, जब जाता हूँ तो मारपीट मेरे साथ करता है, ये इल्जाम लगा रही है। ये इल्जाम लगा, आपकी बीवी यहीं पे है तो आ क्यों नहीं रही है? अगर सच है तो सामने आए, इनकी बीवी यहीं पे मौजूद है लेकिन सामने नहीं आ रही है। सामने कैसे आएगी मैम, गलत है तो जान रही है कि गलत छुपता नहीं है, सच्चाई एक दिन सामने आए करता है, तो आएगी कहाँ से, जान रही है कि सच्चाई हमको गलत है। अच्छा, आपकी बीवी के साथ जैसे समझौता करवाने के लिए कौन कौन लोग आए हैं? मेरे बीवी के साथ में समझौता करने के लिए एक गांव के आए हैं, बाकी लोग के नहीं पहचान रहे हैं, और एक है वो गुड्डू जादव। हाँ। उनको हम थोड़ा बहुत पहचाने हैं। हाँ। देखे हैं अपना सास के साथ में उसको असलियत, सास के साथ जी, और बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे, कुछ भी मत बोलिए, सास क्यों है आपकी? अरे मेरा सास है, मेरा माँ है, मैं अपना औलाद के का भगवान, कोई भगवान को कसम खा के बोलेगी हम देखेंगे, आग से देखेंगे तो कैसे बोलने में सब छुपेंगे। आपकी सास का अफेयर है किसी के साथ, आप ये बोल रहे हैं? जी मैम, हम साथ में देखे, मछली बनाई मेरे के लिए, तारी पीने के लिए लाई थी उसका बाप। हाँ। और तारी पिया, हम भी पिए, और गुड्डू जादव भी था, उसको मछली ताल के दिया खाने के लिए। हाँ। 10 रात बजा हम अपना रूम में सोने चले गए। हाँ। वो गुड्डू जादव था, मेरा रूम के बाहर दरवाजा भी चौकी लगाया हुआ था, वहाँ पर सोए हुए। हाँ। रात में 11:30 बजे के आसपास मैं बाहर निकल रहा बाथरूम जाने के लिए, देखा गुड्डू जादव नहीं, मसला कहाँ गया होगा, मैं गया पानी पीने के लिए बाहर, कल का हुआ, कल से बाहर से पानी पी के आया, सास के रूम में सो गया, नजर झाका, देखा कि दोनों सोया हुआ। हाँ, उस दिन से मैं देखा मैं अपना ससुराल जाना बंद कर दिया। हाँ। उस दिन से मैं बोला वाइफ को, बोला मैं तेरे से शादी किया हूँ, मैं तेरे से मतलब रखता हूँ, अगर तू मेरे साथ घर रहना चाहती हो तो ठीक है, नहीं रहना चाहती हो वो भी ठीक है, बाकी वो घर से तुम्हारा माँ से तालुज ना, चाहे तो माँ से तालुज रखो, चाहे तो मेरे से तालुज। तो मारते पीटते कहा? क्यों नहीं, काहे नहीं मारपीट किया है, 45,000 रुपया दिया, ले जाकर माँ को दे दी, उसका माँ बोलती है कि मेरे को पैसे नहीं दिया है, तुम्हारा भाई ले गया कहीं काम करवाने के लिए। आप इधर आइएगा, आप इनके भाई है? यस मैम, भाई है। आप पे भी केस हुआ है? हाँ, हमें तो पता चला, वो शादी किए थे हाल ही फिलहाल में, मेहंदी लगाए हुए हैं, अरे हाल ही फिलहाल में शादी किए थे, नोटिस वाइफ के हाथ में गया, बताई खुशखबरी कि आपका भी नाम है, मेरा नाम छोड़ के। हाँ। आपका क्या समझती है, चक्कर है क्या है, नहीं है बताइए। नई नवेली बीवी समझ रही होगी कि, अरे चाहती नहीं ना कि शादी हो, क्योंकि घर का पूरा खर्चा 7 साल से हम चला रहे हैं। हाँ। पूरा का पूरा खर्चा भाई साहब है, उन्हें पिताजी है, बाहर रहते तो काम नहीं करते हैं? काम करते हैं तो अपना घर में यही समय अपना खर्चा करते हैं, नहीं करते नहीं भी देते हैं, देते भी है घर उर बनाना उनाना सब चीज का सब हम ही देखते हैं, पिताजी भी हैं, पिताजी से पूछ लीजिए, और ये लोग जो भी आए हुए हैं मिल लीजिए इनसे, मिलिए, पिछला साल मैनेज करवा के पिछा भूल गए बताने। ये लड़की का, लड़की के मौसा है, अपने मौसा जी हैं, ये तो बता रहे हैं कि लड़की के मौसा जी है, तो मौसा जी है तो इनको कहा जा रहा है कि आप समझाइए, जब लड़का ले जाने के लिए तैयार है, बस एक ही शब्द बोल रहा है कि बस खाली माँ से जी से बात न करे, सबसे बात करे। हाँ। सिर्फ माँ जी हमें पैसा रखी हुई है, माँ जी और लड़ाई करते हैं, माँ जी बात करे, कोई बेटी अपनी माँ से कैसे नहीं बात करेगी भाई साहब? माँ भी माँ कहाना लायक रहेगी भी, तभी तो माँ कहेगी ना,
चाहे सास रहे, सास कहने लायक भी रहे तभी तो ना सास कहेगा। औसा सास औसा माँ बोलने में भी शर्म लगता है, क्या बोलूँ अब सामने में, क्या बोलूँ। क्या आप क्यों नहीं समझा रहे हैं साथ में लेके आए तो? तो हम तो कह रहे थे, वो कहता है कि हम जब जाते थे मारपीट करता है, दूसरे बात में अच्छा ये मारते हैं नहीं, दूसरे बात में हम तो देखे नहीं, हम दूसरे जगह के हैं। वो कहती है तो कह रहे थे, वो बात नहीं मान रही है। आपका बात नहीं मान रही है, वो भाग गई है, बात नहीं मान रही है। वो वहाँ चले गए, बहुत आगे निकल गए, भाग गई आगे कि ये अपने बेटा से पैरवी करवा करके इन पे चाकू से लड़का को भेजा था कुछ दिन पहले। शादी का मैटर था, हम उजागर नहीं किए हैं, ये हमसे बताए भी नहीं है। देखिए पूरा इनका हम नहीं बताया, इनका लड़का बड़ा पिंटू कुमार नाम है। और इनके साथ लड़का के साथ में चार पांच लड़के थे और बच्चा छह महीने का बोला है, यो नहीं हमला बोला है। हाँ। हमला दिखा देते हैं, माइक माइक नहीं माइक वो छोड़ दीजिए, दिखा देते सब कुछ दिखाते हैं। चाकू से वायर किया मैम, कौन इनका बेटा, इनका लड़का, देखिए देखिए जख्म यहाँ पर दांत गिराया था और उसके बाद यहाँ पर पहला चाकू चलाया तो मैं ऐसे हाथ से पकड़ लिया, दूसरा बार हाथ काटा तो ऐसे ऐसे जाने लगा, साइड से एक लड़का और चाकू एफेक्ट कर दिया। आपकी भाभी आपको पसंद पसंद करती है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो आप ही तो बोल रहे हैं। ऐसा मैटर नहीं है, बस जो घर चलाने का जो खर्चा था सब मेरे को, और अभी भी है। अगर अच्छा से रहे तो अभी भी है, क्योंकि भाई भाई होता है, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अच्छा से रहे, सब लोग रहे, बनाएंगे खिलाएंगे साथ में, परिवार को मिला के रखेंगे। लेकिन जब बताइए अभी अगर हम कमा रहे हैं, अभी जॉब होगा नहीं, कराएंगे तैयारी वाली कर रहे हैं टीचर वाला में बीपीएससी के लिए, अगर ऐसा केस को हमेशा करते रहेंगे, हम इधर अधूरा चलाते हैं अपना, वही सब अपना खर्चा घर भी चलाते हैं सब कुछ। अगर इस तरह से मैटर में परेशान रहेंगे तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? किसी और के साथ जो इल्जाम लगा दिया इतना बड़ा? हाँ मैम। किसके साथ? सुभाष यादव नाम कौन उसके साथ दो बार भागा, दो बार भाग दिया। हाँ, इनको लड़का है, इनको लड़का है। आपके बेटे हैं सुभाष यादव आपके, इनकी पे ये बोल रहे हैं कि इनकी बीवी आपके बेटे के साथ भागी है। अपना मौसेरा भाई है, अपना मौसेरा भाई नहीं है मैम, नहीं अपना मौसेरा भाई, चेक होगा पता चलेगा ना कि मौसेरा अपन भाई है। आप अपने मौसा जी हैं? प्रधान जी तो आधार कार्ड लाइए, सगा मौसा जी है, सगा नहीं है, तो सगा नहीं है तो कैसे मौसा जी होगा? गांव का हम, गांव के रिश्ता होता है। और जो उसमें आप इल्जाम लग रहे हैं कि अपनी सास को उनके साथ रंगे हाथ पकड़े तो वो भी भाग गए, वो ममनिया सास की भाई हुए। हाँ। ममनिया सास के भाई हुए, उनका अपना भगनी में शादी में वही ढांचा, इसलिए उसको लोग तो पकड़ल गया तो वहाँ से भगावल गया, वहाँ से भी भाग के गया नगमा से, वो अपना भगनी के शादी में। क्या चाहते हैं? अरे लोग षड्यंत्र, लोग बाहर हो जाएंगे, मेरा परिवार शांत हो जाएगा, ये लोग बाहर हो जाएंगे, परिवार शांत हो जाएगा, उनको किसी भी प्रकार से रहना हो। चाहे आने का मतलब है कि आपकी भाभी की जो माँ हुई उनका कई व्यक्तियों से संबंध है, इस वही यही लोग आपके भाभी को अच्छे से, आप भाई को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इन लोग के बहकावा में ही भाभी और उनकी माँ घर नहीं पसंद रही है, उनकी लोग के बहकावा से इन्होंने भी कितना बार हमारे साथ मारपीट, पापा के साथ मारपीट किए हैं। हम ये चाहते हैं कि घर में या तो आपको जिस तरह से रहना हो, अलग रहना हो, साथे रहना हो, या बंटवारा कर लीजिए, एकदम जिस तरह से रहना हो, या आपको आप रहिए हम शहर में चले जाते हैं, या आप शहर में चले हम रहते हैं, जिस प्रकार से बैठ के समाधान कर लीजिए, लेकिन तबाह हम अल्लाह साबित हम कर सकते हैं। अच्छा सास को आप चाहते हैं कि अपनी बीवी को रखना चाहते हैं? मैं बीवी को रखना चाहता हूँ, एक ही शर्त है मेरा, चाहे तो वो मेरे को चुने चाहे तो अपना मायके घर चुने, मेरा वो घर मायके पसंद नहीं है, बस यही मेरे से वो घर, बाकी परिवार के सब आदमी तलाक आपको दे दे, नहीं तो छोड़ दिया जाए। चलिए देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि मेरी भी मेरी सास अच्छी नेचर की नहीं है, बीवी भी अच्छी नेचर की नहीं है, इसलिए या तो मेरी बीवी मेरे साथ रहे या तो हमको तलाक दे दे। लेकिन इनकी बीवी इनको तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं है और साथ रहने के लिए भी तैयार नहीं है। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।